गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आप सभी लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर हमारे दिन की शुरुआत होती है पूजा से। एक्चुअली पूजा से नहीं, पूजा से पहले भी काफ़ी काम करने होते हैं। आज तो संडे है इसलिए, वरना सुबह में ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है। अनाया स्कूल जाती है और बाकी का झाड़ू पोंछा, उसके बाद ही हमारा नहाना धोना पूजा होती है। सो इस समय अभी बज रहे होंगे 9 o'clock। ओके, हाँ 9 o'clock बज रहे हैं इस समय। ये देखिए हमारी पूजा भी यहाँ पर हो जाएगी। और यहाँ पर अनाया आई थी कुछ टाइम के लिए, तो वो मुझे बता रही थी कि मम्मी मुझे रात में सपना आया था। पता नहीं क्या क्या बता रही थी सपने में, मुझे याद भी नहीं है। और यहाँ पर हमारे नीचे की पूजा हो चुकी है, तो अब हम आए ऊपर सूर्य देवता को जल चढ़ाने। ये भी बहुत ज़रूरी है सूर्य देवता को जल चढ़ाना। तो बस, और इसी तरह से आप लोग सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं क्या, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, और ये देखिए मेरा भाई आया था गांव से। एक्चुअली वो दौज के दिन नहीं आ पाया था, तो उसके 2 दिन बाद आया था। तो बस घर से कुछ मिठाई लेके आया है, खोया बर्फी और इसको क्या बोलते हैं गुजिया और मलाई बर्फी, ये लेके आया था वो मेरे लिए। और यहाँ से वो इंदौर में रहता है, तो सिर्फ सीधा इंदौर निकल गया था। हालांकि वो मुझसे छोटा है, फिर भी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया था। मैंने कुछ नहीं दिया, लेकिन वो लौट कर मुझे ही दे देता है। तो बस पूजा करने के बाद हमारा ये सुबह का ब्रेकफास्ट था। पूजा करने के बाद तो भूख बहुत तेज़ी से लगती है, तो बिना पेट पूजा के हम कोई काम नहीं कर सकते। पूजा के बाद ब्रेकफास्ट तो चाहिए ही। और कुछ समय बाद हम आ चुके थे किचन में, और यहाँ पर हमारा घी भी पक चुका था। और यहाँ पर एक साइड में घी पक रहा था और एक साइड में हमारी सब्जी पक रही थी। और फिर बस लंच में हमारा यही सब्जी रोटी, यही लंच मेरा था। और ये भिंडी है हमारी बेसन वाली, ये मैंने नाइट में बनाई थी, तो थोड़ी सी बच गई थी, तो सुबह में मैंने इसे खा लिया था। और पूरा काम, मतलब पूरा मैंने नहीं किया है वीडियो शूट, ये है शाम की क्लिप है। शाम की यानी कि नाइट में पूरा खाना खाने के बाद, नाइट में लगभग 10 बज रहे होंगे, उस समय की क्लिप है। यहाँ पर हमने सारे बर्तनों को साफ किया है और ये मेरे डेली इग्नोर रहता है। हाँ ओके, और यहाँ पर मैं आपको एक पॉजिटिव थॉट सुनाती हूँ। बेटियाँ जन्म से लेकर हर उपहार, यहाँ तक कि आखिरी कपड़ा भी मायके से पाती हैं। तो क्या ससुराल सिर्फ उम्र भर काम करने के लिए आती हैं? किसी ने खूब कहा है ये, बेटियाँ सही कहा है, मतलब बेटियाँ जन्म से लेकर हर उपहार उनके मायके से ही आता है। और शादी के बाद इस तरह से काम में लग जाती हैं कि उन्हें अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता है। सब फैमिली को संभालना, बच्चे होने के बाद बच्चों को संभालना, सभी का मतलब अपने बारे में तो वो भूल ही जाती हैं पूरी तरह से। यही एक लाइफ रह जाती है। हमारे बर्तन भी पूरी क्लीन हो चुके हैं और यहाँ पर हमारा पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन करना है मुझे। और यहाँ पर सभी का खाना हो चुका है, एक बस मैं ही बची हूँ खाने के लिए। और खाना मैं बाद में ही खाती हूँ पूरा क्लीनिंग के बाद, क्योंकि मुझे ना बहुत ही ज़्यादा आलस आता है खाना खाने के बाद ये सब काम करने में। तो पहले ये सारा काम करती हूँ, उसके बाद खाना खाने बैठती हूँ। बचते हैं मेरे बस 2 बर्तन, तो वो भी बाद में क्लीन करने के बाद बस वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ। और उसके बाद जब तक अनाया भी सो चुकी होती है, और अभी समथिंग कितना 12 बज चुके हैं, 12 बजे मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ये आप सबके लिए। तो प्लीज़ इग्नोर मत करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ओके, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं या नहीं। और शेयर करना भी मत भूलना। ओके, और
सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को और शेयर भी करना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और ब्लॉग में। ओके, थैंक यू गाइस।